नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से सामने आई है, जहां शराब माफियाओं के ऊपर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ में एक आदमी मारा गया है। बेतिया में शराब माफियाओं और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है, जिसमें पुलिस की गोली में एक शराब तस्कर जटा यादव की मौत हो गई है, जबकि एक तस्कर ध्रुव यादव पुलिस की गोली से घायल हो गया है। पुलिस ने शराब कारोबारियों के पास से शराब की बड़ी खेप को बरामद भी किया है। अब दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब कारोबारी यूपी से शराब की खेप लाने वाले हैं। देर रात पुलिस जब नाकेबंदी के लिए गई, तभी कारोबारी गंडक नदी में नाव से शराब की खेप को ला रहे थे। पुलिस को देखते ही शराब माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जिस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 11 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक तस्कर की मौत हो गई, जबकि दूसरा कारोबारी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। पूरा मामला बेतिया पुलिस जिला के श्रीनगर थाना इलाके के बैजुआ गाँव की है। ये पूरा इलाका गंडक का दियारा इलाका है। देखिए, पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस के गोली लगने से एक शराब तस्कर मारा गया है, तो वहीं दूसरा शराब तस्कर घायल हो गया है। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।